हे गाइस, कैसे आप लोग। गाइस आज मैं करने जा रहा हूँ एक अनफेयर स्पीड टेस्ट बिटवीन रियलमी 6 एंड पोको X2। गाइस रियलमी 6 जो मेरा डिवाइस है ना, ये बेस वेरिएंट है 4GB रैम वाला, और पोको X2 ये भी बेस वेरिएंट है 6GB रैम वाला। तो गाइस 2GB रैम एक्स्ट्रा है पोको X2 में, तो ये स्पीड टेस्ट जो है वो हो जाता है अनफेयर। मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर आपको अनफेयर स्पीड टेस्ट नहीं देखना है तो आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये जो वीडियो बनाने का मेरा रीज़न है वो ये है कि अगर आप Realme 6 परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो काफ़ी दिनों से आपको पता होगा कि आउट ऑफ स्टॉक है, एंड अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आपके पास अगर पैसे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तो पोको X2 भी आप परचेस कर सकते हो। गाइस रियलमी 6 खरीदने का सबसे बड़ा मुझे जो रीज़न लग रहा है वो है 14,000 रुपये में आपको ऐसा स्मार्टफोन मिल जाता है हीलियो G90T प्रोसेसर के साथ, यानी पबजी में आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम इन्जॉय कर सकते हो। साथ में कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, चार्जिंग स्पीड यानी 30W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, बैटरी लाइफ भी डिसेंट है, एंड गाइस 90Hz वाला सुपर स्मूथ डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है रियलमी 6 में। दूसरी तरफ अगर पोको X2 की बात करें तो 3,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 2GB आपको एक्स्ट्रा रैम मिल जाएगा और 120Hz वाला स्मूथ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा पोको X2 में। गाइस चार्जिंग स्पीड बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है रियलमी 6 से, 27W का आपको फास्ट चार्जर पोको X2 में देखने को मिल जाता है और 4500mAh की बैटरी भी। आज बात करते हैं क्या रियलमी 6 4GB रैम के साथ हीलियो G90T प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 730G को चैलेंज कर सकता है, 2GB एक्स्ट्रा रैम वाले स्मार्टफोन को चैलेंज कर सकता है ऐप ओपनिंग स्पीड में। तो गाइस दोनों स्मार्टफोन से मैंने गेम स्पेस, गेम टर्बो से सारे ऐप्स को रिमूव कर दिया है, दोनों सर्विसेज को डिसेबल कर दिया है, दोनों स्मार्टफोन को मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है यानी अपना जियो का हॉटस्पॉट, एंड सबसे पहले मैं आपको दोनों स्मार्टफोन को बूट करके दिखाता हूँ। बूट में तो निकल लिया पोको X2 आगे, रियलमी 6 रह गया थोड़ा सा पीछे। ये हो गया दोनों सेम नेटवर्क, एप्स कर दिया मैंने रिमूव। ये निकल गया पोको X2 आगे। तो गाइस पबजी में निकल गया पोको X2 आगे, अब एसफॉल्ट 9। वाओ यार, तो निकल लिया रियलमी 6 एसफॉल्ट 9 में आगे, वाओ। तो दोनों के पास एक एक पॉइंट है, 4GB रैम वाला बेचारा काफी मेहनत कर रहा है। मैं स्लो मोशन में आपको दिखा देता हूं, बहुत ज्यादा क्लोज था लेकिन पोको X2 निकल गया। ये जो टच रिस्पॉन्स है ना, ये लेड हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो यार निकल गया, वाह। दोनों के पास दो दो 4GB रैम। अब तो मुझे लगता है कि यार आप लोग वेट करोगे, पोको X2 नहीं चाहिए, रियलमी 6 के लिए वेट करना है, 3,500 रुपये बचाना है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको टेम्पल रन ओपन करके दिखाता हूँ। यार तो निकल गया पोको X2 आगे, लेकिन ये भी बहुत क्लोज था। तो गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, रियलमी 6 मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ स्पीड टेस्ट का। अभी जो लास्ट 2-3 अपडेट्स आए ना, उसके बाद परफॉर्मेंस सच में काफ़ी बढ़िया हो गया है। अब कुछ नन्हे मुन्ने से ऐप्स, तो यार ये टच रिस्पॉन्स लेकर डूब रहा है ओके रियलमी 6 को। काफी क्लोज था ये।
ऐप ओपनिंग स्पीड की अगर बात करूँ तो यार Realme 6 सच में काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है 4GB रैम के साथ। और यहाँ पे निकल गया यार Realme 6। वाओ, Realme 6 ने पहले जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, जो भी कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें पहले लोड हुआ। तो गाइस पोको X2 अमेज़न में, वाओ यार ये जो सिस्टम के ऐप्स है ना, ये पोको X2 से काफ़ी क्विकली ओपन हो जाते हैं Realme 6 में, चाहे वो डायलर हो, चाहे मैसेजिंग ऐप हो। मुझे लगता है यार यहाँ पे Realme 6 निकला है। असल मकसद गाइज मेरा जीत हार वाला नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जीत गया इसे ट्रॉफी मिलना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जस्ट दोनों का परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं, और Realme 6 अगर आप परचेस करोगे थोड़ा सा वेट करके 4GB रैम के साथ, तो किस तरह का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है, मुझे किसी को हराना या जिताना नहीं है, मुझे अपना चैनल चलाना है। ओके, तो चलिए अब यूट्यूब गो। तो गाइज पोको X2 ने YouTube जो है वो पहले लोड कर दिया, तो इससे आपको आइडिया ज़रूर हो गया होगा। डेफिनेटली अगर नंबर्स को आप काउंट करोगे, 5 गेम्स में 3 ज़्यादा पहले लोड हुआ था पोको X2 में, तो गाइज नंबर्स को अगर आप काउंट करोगे तो शायद पोको X2 यहाँ पे विनर है। 4GB रैम के साथ भी Realme 6 ने काफ़ी तगड़ा टक्कर दिया, और स्पेशली अभी जो लास्ट 2-3 अपडेट्स आए थे, फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो पहले का राय था Realme 6 के बारे में थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि Realme 6 एक सॉलिड स्मार्टफोन है, लेकिन गलत कंपनी के हाथ में लग गया यार। ये Realme वाले को फोन बेचना ही नहीं है, 5 सेकंड के अंदर सोल्ड आउट हो जाता है। तो गाइस थोड़ा ज्यादा बोल दिया है, लेकिन मेरा मकसद था आपको सही इंफॉर्मेशन देना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा यार तो प्लीज़ लाइक कर देना। वैसे पोको X2 मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ़ोन है अभी रिसेंटली, जितना भी मैंने स्मार्टफोन यूज़ किया है, लेकिन Realme 6 बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है यार। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।